हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ समीर। टेक्निकल जुगाड़ में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ बबल रिमूवर। देखिए, जैसे कि मैं आपके के सामने ये LCD लेकर आया हूँ, जिसमें कि ये बबल दिख रहे हैं धीरे धीरे छोटे छोटे। आज मैं आपको बताऊँगा कि ये बबल कैसे निकलेंगे। ये मेरी कोई J7 Pro की वीडियो LCD है। ये देखिए, पहले मैं मशीन ऑन कर देता हूँ। मशीन ऑन करने के बाद वो जो उधर टेम्परेचर लिखा हुआ है 29, वो 60 तक जाएगा, फिर मैं मशीन ऑन करूँगा। इसमें आपने डिस्प्ले रख देनी है, कहीं पर भी रख दीजिए। इसमें डिस्प्ले रखने के बाद आपने ये बंद कर देना है। ये वैक्यूम प्रेशर है, ये PSI है, ये 0.4 तक PSI होना चाहिए, 0.4 इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, LCD ब्रेक हो जाएगी। उसके अंदर जो एयर डालता है वो ये पंप होता है, आप देख रहे हो, उस पंप में थोड़ी हवा कम है, मैं उसमें हवा भी डाल देता हूँ। चलिए, हवा कुछ टाइम बाद डालते हैं। ये देखिए 55 वो हो चुका है, 56 होने वाला है। चलिए, वो अपने आप पहुंच जाएगा। बाकी मैं आपको बताता हूँ फिर उसके बाद दूसरा स्टेप क्या होगा। ये जो हमारा टाइमर लगा हुआ है, ये 10 मिनट का टाइम लेगा। 10 मिनट टाइम लेने के बाद वो सारे बबल अपने आप रिमूव हो जाएंगे। ये स्टार्ट, ये देखिए, उधर सेकंड स्टार्ट हो चुका है, 10 सेकंड हो चुका है, इधर मिनट आएगा। जब ये 10 मिनट हो जाएगा फिर मैं आपके दोबारा से दिखाऊंगा कि वो बबल रहे या नहीं रहे। ये देखिए फ्रेंड, 2 मिनट हो चुके, मैं 5 मिनट के लिए वीडियो पोस्ट करता हूँ, उसके बाद दोबारा रिप्ले करूँगा। फ्रेंड, 7 मिनट हो चुके, 2 मिनट बाकी हैं। देखिए फ्रेंड, 8 मिनट हो चुके, 8 मिनट होने के बाद अब मशीन प्रेशर रिलीज़ करेगी और ये PSI मीटर जो है वो डाउन पर, ये PSI मीटर डाउन पर आएगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि देखिए 8 मिनट हो चुके, 8:30, आठ पचास, ये देखिए 9 मिनट हो चुके। 9 मिनट होने के बाद अभी उल्टी गिनती स्टार्ट हो चुकी है। ये जो टेम्परेचर है हमारा हीटिंग वाला, देख रहे होंगे आप, हीटिंग लिखा हुआ है, हीटिंग टेम्परेचर का, आप इसको 60 है, 70 भी रख सकते हैं। मशीन कुछ सेकंड बाद प्रेशर रिलीज करेगी, मैं उसकी भी आपको आवाज सुनाता हूँ। PSI मीटर नीचे आ चुका है और मशीन ने प्रेशर रिलीज कर दिया है।
अब मैं इसमें से वर्क बंद करूँगा, इसका एलसीडी निकालूँगा और मैं आपको दिखाऊँगा कि इसमें अभी यहाँ पर डॉटेड वगैरह आ रहे थे। ये जो हल्के फुल्के डॉटेड आपको दिख रहे होंगे, ये पॉलीथीन लगी हुई है उसके ऊपर है। मैं देखता हूँ मेरी एलसीडी वर्क कर रही है या नहीं। आप ही के सामने ये मैं जैक पर लगाई एलसीडी मदरबोर्ड और ये देखिए एलसीडी पूरी तरह वर्क कर रही है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलना।